हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फाइनली हमारे बाथरूम का काम हो रहा है और शावर चालू हो जाएगा आज। इधर से उन्होंने बाथरूम के पीछे वाला जो रूम है उसमें कट किया हुआ है। इसकी जो गट्टा होता है ना, ये वुडन वॉल्स होती है सारी कैनेडा में। ये सारी वुड की वॉल्स मिलेगी, इतनी पतली सी आपको। सो यू कैन नॉट पंच द वॉल व्हेन यू आर एंग्री, अदरवाइज इट विल ब्रेक इजीली। ये वॉल को कट करके निकाल दिया उन्होंने। दिस इज वॉल। See, this is the work going on in here. Let's check the backyard. The weather is pleasant today. It's 9 degrees. It is cold but not very cold. It is tolerable. Let's have a look at the backyard today. This is the backyard. इधर ऐसा गराज होता है एंड दिस इज द बैक डोर जहाँ से हम जा सकते हैं। दिस इज़ आवर हाउस फ्रॉम बैक साइड। आज फाइनली बाथरूम का काम हो चुका है, शावर लग चुका है। अभी तक हम मग्गा लेके और यू आर एडजस्टिंग एनी हाउ एंड दिस इज़ हाउ यू लॉक द बैक डोर। यू जस्ट हैव टू पुश इट एंड इट विल लॉक इटसेल्फ। Later that night. कुछ मतलब नहीं हर चीज तो बंद रहती है। हाँ ब्रो, यहाँ की नाइट लाइफ नहीं है यार कुछ, मतलब 10 बजे सब बंद हो रहा है, किसी को जाना हो तो कहाँ जाए। मेट्रोपॉलिटन सिटी ब्रो यहाँ की। भाई टोरंटो के बाद में यही है, पूरे कनाडा में यही है। टोरंटो अगर मुंबई है तो दिल्ली है, बट इस सिटी की हालत उसमें तो दूसरे ही क्या होगी। एक तो बारिश जब देखता हो जाती है, बादलों को कुछ कंट्रोल नहीं होता। बादलों का ऐसा कभी मूड देते हैं यहाँ पे। इनको डायपर बना के रखो। हम देखते हैं अभी क्या करना है। भटकते हैं देखते हैं थोड़ा क्या है। अपना इंदौर होता भाई, अभी सराफा के बाहर चले। और अपन 2 बजे सराफा निकलते भाई, अपनी बस आ रही है। बस भी नहीं, 16 नंबर निकल के तो सीधे दूसरी आएगी ब्रो, शायद 16 नंबर दूसरी। अच्छी चीज़ बहुत अगर मान ली रात के 1:30 बज रहे हो, अभी 9:30 बज रही है। 9:30 बज रही है, हालत यहाँ पे अजीब हालत है। यहाँ पे अंधेरा 4 बजे हो जाता है, समर में भी हमें थोड़ा और ज्यादा मजा आता है। देखो गीला हो जाता है, बारिश नहीं होती है तो शायद इट्स बेटर। पर ये यहाँ पे टेस्ला तुमको ऐसे ऑल्टो जैसे दिख जाएगी। हर दूसरी गाड़ी टेस्ला और हर दसवीं गाड़ी मस्टैंग होती है यहाँ पे। नॉट हर दसवीं, छठी सातवीं कह सकते हो आप। हाँ छठी सातवीं, मैं मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ। मतलब लोग अमीर है यहाँ पे, लेकिन फिर लाइफ एंजॉय करने नहीं आता। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं। यही तो अपन ना नाम भी सोचना है, अगर कुछ नाम हो तो कमेंट करो यार गाइस शॉप के लिए। और ऑथेंटिक इंडियन नेम होना चाहिए। तुम घर से ऑल द वे टू बस स्टेशन सिर्फ यही करने के लिए आए थे? थोड़ी बकचोदी अच्छा नहीं लगता। अब हमारी बस भी आने वाली 16 नंबर। And we're out moving to downtown. देखते हैं, we are just exploring downtown today. And we are in downtown right now. और इधर ना ऐसे शेल्टर बनाई हुई रहती है ताकि बारिश से आप बच सको। अभी जैसे लाइट रेन हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, सो पूरी स्ट्रीट पे शेल्टर बनाई हुई ताकि गीले ना हो जाए। इवन इफ यू डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नहीं, मेरे पीछे इधर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। बस इधर ही जॉब लगनी है मेरी, मैं बता रहा हूँ अभी से ही मेरी जॉब इधर ही लगी। करोड़ों का पैकेट उठाऊंगा मैं इंशाल्लाह। इधर ऐसे जो ट्रीज है ना उनके ऊपर लाइट्स वगैरह इन्होंने डेकोरेट की है। लुक्स रियली ब्यूटीफुल हियर। दिस इज पार्क ओवर हियर और फ्रॉम पोल्स टू पार्क। ये छोटा सा पॉन्ड है इधर पार्क के अंदर और
पास में बेंचेस भी लगी हुई है। हम यहाँ पे दिन में आते तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता व्यू, बट रात में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इधर सारी मेपल लीव्स दिख जाएंगे आपको, बिकॉज सीजन इज़ विंटर, तो विंटर में भी ये पूरे पेड़ ऐसे झड़े हुए रहते हैं। देयर इज स्टैनली पार्क, ओ बारिश हो गई। इधर स्टैनली पार्क उधर आगे की साइड में है। वैनकूवर जगह ही फेमस है पार्क्स के लिए, बीचेस के लिए, बट हम अगर यहाँ पे दिन में आते तो ज़्यादा बेटर होता। हाँ बट एनीवेज इट्स गुड, व्यू काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी राइट। दिन में और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता, क्लियर दिखता, बट रात में भी अच्छा है, यू कैन सिट हियर। और दिस इज़ द कोस्टल एरिया, ये पूरा ओशन है। रात में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। डेबोनियन पार्क, और ये पूरा इधर शिप्स वगैरह रखी हुई है, क्रूज है, और उधर घर बने हुए हैं। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल लुकिंग, कैमरे में उतना ब्यूटीफुल लग नहीं रहा जितना रियल में लग रहा है। यहाँ से एक्चुअल में पूरा क्लियर व्यू आ रहा है। दिस आर क्रूज, ये सारी क्रूज है, और ये घर बना हुआ है बड़ी प्यारा सा। वाओ so beautiful. All right, अभी हमने देखा यहाँ से पुलिस की गाड़ी निकली है। पुलिस की गाड़ी भी मस्टैंग थी। मस्टैंग कितनी ज्यादा है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मस्टैंग है, और अधिकतर पुलिस वालों की है। पुलिस की गाड़ी भी मस्टैंग थी यहाँ पे, तो स्पीड में लेके गया ना वो। जल्दी से भी कुछ मत कर देना, बहुत जल्दी पुलिस आती है, एम्बुलेंस से पहले पुलिस आती है। And the street has been decorated beautifully. दिस इज हार्बर सेंटर, ये डाउन टाउन में है, एंड हियर वी आर इन द डाउन टाउन। राइट, सो वी आर डन फॉर द डे, नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम, एंड पूरा डाउन टाउन एक्सप्लोर किया। वी वेंट टू स्टैनली पार्क, एंड नाउ वी आर फाइनली इन द बस एंड हेडिंग टू आवर होम। That's it for today. Thank you for watching this vlog till the end. Hope you enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Subscribe to the channel if you haven't already. Also press the bell icon and the subscribe button. With that being said, I'm gonna catch you in the very next one. Peace out.